यस बच्चे, वी वर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, राइट। फर्स्टली वी हैड डिस्कस्ड दैट सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, सॉरी सॉइल हैज वाटर। सेकेंड, सॉइल कंटेन्स एयर। थर्ड, आई हैव टू स्टार्ट टुडे, दैट इज सॉइल। हाँ जी, soil allows water to percolate. So what is the meaning of percolate? Bilkul, allows water to percolate. ठीक है, अगर soil percolation allow करती है, means it allows water to go down, right? So it must have some percolation rate. परकोलेशन रेट होता है कि कितने टाइम में कितना पानी जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन सॉइल टू सॉइल, और ये हमने करना है, राइट। बट बिफोर दैट, व्हाट इज परकोलेशन? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परकोलेशन? यहाँ पे मैंने परकोलेशन तो लिख दिया, उसका मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग की जगह हम वॉटर ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर चीज में कर रहे हैं। यस, हाँ जी बॉयज, दोज हु आर टॉकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परकोलेशन? यस, अलाउ समथिंग पास थ्रू। चलो समथिंग को वॉटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम सम सॉइल की बात कर रहे हैं। करेक्ट, द प्रोसेस इन विच वॉटर, द प्रोसेस इन विच वॉटर पासिस डाउन, in which water passes down slowly through the soil, kyunki bahut slow jata hai, slowly through the soil is called as percolation. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द वॉटर पासिस डाउन थ्रू द सॉइल स्लोली। ओके, देन नेक्स्ट इज परकोलेशन रेट। रेट मैंने आपको कल भी बेटा बताने की कोशिश की थी, जहां पे फॉर द टाइम बीइंग आपको रेट आ जाए ना, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना टाइम लगता है। जैसे स्पीड आपको समझाई थी, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, याद है फॉर्मूला? ठीक है, दैट इज स्पीड, वो भी रेट कहते हैं। लेटर ऑन आप डेफिनेशन करोगे भी आगे नेक्स्ट क्लासेस में, कि रेट स्पीड की जो डेफिनेशन है वो रेट से बनती है। रेट होता है डिवीजन बाय टाइम। अगर हम परकोलेशन रेट की बात करते हैं, तो व्हाट इज द रेट? अब जो वाटर है, वाटर किस चीज में मेजर होता है? लीटर, मिली लीटर। तो इसको आप क्या बोलते हो? यूनिट्स तो होते ही है, मीन्स क्या चीज है? एरिया है, वॉल्यूम है, क्या चीज होती है? वॉल्यूम। क्वांटिटी क्या है? दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो परकोलेशन रेट क्या हो गया? परकोलेशन रेट, यस, हाँ वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन मेनली हम उसको वॉल्यूम तो बोल ही सकते हैं, और वो सेंटीमीटर नहीं होता, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। इवन बेटे, आप अपनी रफली अगर क्यूब का वॉल्यूम भी निकालते हो, तो उसको भी आप क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हो, याद है? वॉल्यूम निकालना सीखा कि नहीं सीखा? तो उसके यूनिट्स चेक करना जरूर, वो फॉर्मूला है, यूनिट्स चेक करो क्या है। यूनिट्स होते हैं मीटर के ऊपर क्यूब लगाते हो, या फिर क्यूबिक मीटर लिखते हो, ऐसे करके लिखते हो। चलो एनी हाउ, ये आप लोगों के पर्सनल है, आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आई विल नॉट शिफ्ट टू दिस। मेरा पर्पस है वॉल्यूम,
रिलेटेड टू दैट वॉटर, ठीक है। और वो जो वॉटर का वॉल्यूम है वी यूज टू मेजर इट इन लीटर और मिलीलीटर, या फिर हम इसको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, ओके। कभी भी इसको सिंगल नहीं लिखते। अच्छा चलो इतना तो पता है, स्क्वायर का एरिया जब लिखते हो तो मीटर स्क्वायर करके लिखते हो, ये भी नहीं पता मीटर स्क्वायर का क्या एरिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3D शेप की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं बेटे, तो क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, तो नेचुरली है उसके ऊपर भी तो क्यूब आएगा ना, ठीक है। जो फॉर्मूलाज है वो कहीं से उड़ के नहीं आते हैं, जो यूनिट्स हैं वो भी आपके फॉर्मूला से ही बनते हैं। सीधी सी बात है, एरिया जब आप करते हो तब क्या होता है, एल इन टू बी, वन साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये एक साइड का यूनिट क्या है मीटर, दूसरी साइड का यूनिट क्या है मीटर। और जब वॉल्यूम की बात करते हो तो वो क्या है, एल बी एच, तो ये क्या है, एक साइड के यूनिट मीटर, दूसरी साइड के ब्रेथ के मीटर, हाइट के मीटर, ये क्या बन गया, मीटर क्यूब नहीं बन गया, ये चीज मैंने की और कुछ नहीं, ठीक है। रेस्ट यू विल फर्दर डिस्कस इन योर मैथ्स। However, for me, percolation rate क्या होता है? Amount of water percolated by the time taken for percolation. ठीक है? By the time taken for percolation. Percolation rate, मैं directly formula लिख रही हूँ, definition अपने आप लिख लेना। Percolation rate is the amount of water percolated. Amount of water, ये amount of percolated water means जो water आपका percolate हो गया, divided by time taken for percolation. Time taken, listen, आवाज आ रही है बेटे, क्लास प्लीज बी क्वाइट। टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, अभी बताती हूँ बेटे वो क्यों मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं। हाँ जी बच्चे, प्लीज नोट डाउन वन मोर थिंग, जब हम परकोलेशन रेट की बात करते हैं सॉइल की, तो नॉर्मली जो वॉटर परकोलेटेड हम चेक करते हैं, इट इज चेक्ड इन मिलीलीटर, ठीक है, इट इज चेक्ड इन मिलीलीटर। और टाइम जो हम चेक करते हैं, इट शुड बी चेक्ड इन मिनट्स, क्योंकि ये सेकेंड्स का काम नहीं है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, सेकेंड्स से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको हम चेक करते हैं मिनट्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज परकुलेशन रेट। परकुलेशन रेट होता है अमाउंट ऑफ वॉटर परकुलेटेड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर दैट, इट इज नॉर्मली फॉर डन इन मिनट्स। हाँ जी, और ये होता कैसे है, अगर बाई चांस आपको चेक करना हो कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने के लिए बेटा द बेस्ट थिंग इज यू विल टेक अ सिलेंड्रिकल ग्लास, आप एक सिलेंड्रिकल ग्लास लो, आपकी बुक में ये एक्टिविटी बनी भी हुई है कि कोई बीकर जिसका जो लोअर वाला पार्ट है ना, जो लोअर वाला पार्ट है ये नीचे से ओपन होगा, बस एक ग्लास लेना आपने, ग्लास शीट, और इज अबाउट 2 सेंटीमीटर तक इसको सॉइल के अंदर डिग कर दो, कि मींस 2 सेंटीमीटर तक वो सॉइल के नीचे चला जाए, यहाँ पे सॉइल के नीचे चला जाए, ये एक्टिविटी आपकी बुक में बनी हुई है प्रॉपर। हाँ जी, पेज नंबर बता दो बेटे, 100 पेज पे है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल ऐड वाटर, आप देखो वाटर तो आप ऊपर से ऐड कर रहे हो, जैसे ही आपने वाटर ऐड करना शुरू किया, नोट डाउन द टाइम, सपोज आई हैव एडेड 100 ml ऑफ वाटर, मैंने 100 ml वाटर ऐड किया, ठीक है। अब कितना टाइम इस वाटर को लगा टू गो डाउन टू दी सॉइल, इस सॉइल के अंदर जाने में इस वाटर को पूरा कितना टाइम लगा, वो टाइम मैंने नोट किया, इट कम्स आउट टू बी 10 मिनट्स,
ठीक है, कितना लगा? इट कम्स आउट टू बी 10 मिनट्स. सो व्हाट शुड बी द परकोलेशन रेट? ठीक है, इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वाटर सॉइल में कैसे जा रहा है बेटे? यही तो सॉइल की प्रॉपर्टी है. ये जो इतना पार्ट है ना, जब ये पूरा वाटर से खाली हो जाएगा, मींस इसमें से वाटर नहीं, जी नहीं, जब ये पानी यहां से नीचे चला जाएगा, देन वी विल चेक द टाइम. ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रह सकते हैं, मोस्टली चला जाता है. अब पानी नीचे कैसे जाता है? जैसे आपका रेन वाटर नहीं सीप होता, वो भी तो सॉइल में जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परकोलेशन. इसी को हम परकोलेशन कहते हैं. परकोलेशन क्या है? वॉटर पासिस डाउन द सॉइल, नीचे जाता है टॉप सॉइल में से सब सॉइल में, सब सॉइल से फिर थर्ड लेयर में से होते हुए बिल्कुल एंड बेड रॉक के ऊपर तक, जब तक वो सेट नहीं हो जाता तब तक वॉटर सीप करता रहता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू वन न्यूमेरिकल. इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलते हैं. लेट्स सी, नीचे से बंद करोगे तो फिर नीचे कैसे जाएगा पानी? हाँ जी, कट कर दो, या फिर कट कर दो, या फिर ये है कि इसके नीचे कोई चीज लगा दो ताकि जो सॉइल है सॉइल में से पास ऑन होके यहाँ कलेक्ट हो जाए. हाँ, मैं क्वेश्चन ही बोलने लगी हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि क्वेश्चन कैसे आएगा. लिसन, हाँ जी, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. 200 ml ऑफ वॉटर, 200 ml ऑफ वॉटर टेक्स 200 ml ऑफ वॉटर टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू परकोलेट. 200 ml ऑफ वॉटर टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू परकोलेट. फाइंड द रेट ऑफ परकोलेशन. परकोलेट टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल. अब मैं बताऊं, यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर्स. हाँ जी, कैलकुलेट करो एंड गिव मी द आंसर. रेट ऑफ परकोलेशन. हाँ जी, हाँ जी, किसके बाद? Through a particular type of soil, किसी particular type of soil की वजह से. हाँ जी, डन. की writing बहुत गंदी है. किसका हो गया? चल आते कर. Come and solve it on the board. हाँ जी, बेटे क्या नहीं समझ आया? 200 ml of water takes about 10 minutes to percolate through a Thank you.
जलश अक्षय नव्या मिया अनराज भी देखो प्लीज अभी मैं भी इस बात पर यहाँ से जो नंबर होती है आई वांट टू शेयर दैट एक तो एक नंबर आपके फॉर्मूला का है आंधी बच्चे प्लीज लुक केयरफुली एट लीस्ट एक नंबर आपका फॉर्मूला का होता है और इस बार हमने बहुत सारे मार्क्स इसीलिए डिडक्ट किए हैं क्योंकि पेपर में फॉर्मूला भी नहीं था आपको न्यूमेरिकल आया तो था स्पीड का आया था ना टाइम का आया था दो नंबर में दो या तीन नंबर का था आई रिमेम्बर और उसमें से एक नंबर आप इसलिए डिडक्ट हुआ था क्योंकि फॉर्मूला नहीं है सो प्लीज राइट द फॉर्मूला And half marks are meant for this. So please be careful. अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज skip करते हो तो आपके marks deduct होने के chances हैं. Right? आता होता है but ये चीजों की वजह से हमारे marks कटते हैं. Clear to everyone? Moving upon to the next fourth property of the soil that is soil absorbs water. कुछ part of soil water that is percolated by the soil And some other part of the soil is absorbed by the soil. Soil absorb water. No. Anji, some part of the soil, sorry, some part of the water is absorbed by the soil. Anji. हाँ. बच्चे समझे नहीं परकुलेशन अलग चीज है परकुलेशन निकलने देना और कंटेन्स वाटर वाला आपका बात ठीक है कंटेन्स वाटर इट्स करेक्ट लेकिन अब हमने उसकी न्यूमेरिकल साइड भी कर दी है ना कि कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करती है कंटेन मींस अपने पास रखती है और कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करती है बेटे ये तीनों अलग अलग चीजें कंटेन मींस अपने पास संभाल के रख लेना जिसको आप यूज कर सकते एब्जॉर्ब मींस अपने अंदर कर लेना सो दैट यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्ट ठीक है किसका ये एक्टिविटी है सो यू विल गो थ्रू फ्रॉम योर बुक ठीक है बुक में है उसको गो थ्रू कर लेना नेक्स्ट बच्चे सॉइल एब्जॉर्ब वाटर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल और इसकी एक्टिविटी मैंने कल आपको बताई भी थी बाय ड्राइंग थ्री बीकर्स ड्रॉ करके इसकी एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी Right? Suppose there are three beakers. I'll keep a funnel on each of these beakers. In this funnel, there is a filter paper and three types of soil. First mein kaun si thi? Sandy. Second mein थर्ड में क्ले सॉइल नाउ इफ आई विल ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल रिमेंबर द अमाउंट ऑफ सॉइल इज सेम फॉर द थ्री मतलब अगर इसमें मैंने 10 मिलीग्राम सॉइल ली है यहाँ पे भी 10 मिलीग्राम ही है तीनों में ठीक है इफ आई विल ऐड वाटर टू दीज यू विल गेट मैक्सिमम वॉटर हेयर इन दी सैंडी सॉइल लोमी सॉइल में हमने थोड़ा कम वॉटर मिला था एंड इन क्ले सॉइल इट मीन्स क्ले सॉइल में हमारे पास इतना कम वॉटर आया लेकिन हमने तो इक्वली दिया था तो बाकी का वॉटर कहाँ गया बाकी का वॉटर एब्जॉर्ब हो गया ना रेस्ट ऑफ द वॉटर इज एब्जॉर्ब बाय दिस वॉटर है ना Suppose
ठीक है, दिस इज अ प्रूफ चिल्ड्रन, अगर आपको आ भी जाए, हाउ कैन यू शो दैट सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर, तो आप ये वाली एक्टिविटी भी शो कर सकते हो. और सेकेंड क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि विच सॉइल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वाटर, हाउ विल यू प्रूव इट, ठीक है, या मिनिमम का कुछ भी आ जाए, तो यू विल गो फॉर दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी अगर आती है, यू आर एबल टू राइट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, सिंपल है. टेक थ्री बीकर्स, मार्केट एबीसी, एड थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल. जो आपको पहले बताई थी फनल डाल के, हाँ ये वाली. हाँ यस क्लास प्लीज. पर्कोलेशन वाली, हाँ उसमें भी ये ले सकते हो. हाँ एब्जॉर्ब करता है बेटे. देखो एक चीज तो लिसन, इफ वी विल टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस में एक चीज श्योर होती है कि कोई भी चीज है ना तो वो 100% रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ना वापस जाती है, ना 100% एब्जॉर्ब होती है, और ना ही 100% पास होती है, चाहे वो वाटर है या लाइट है या कुछ भी, ठीक है. अब वाटर का कुछ पार्ट तो आपका परकोलेट हो गया, सम पार्ट गेट्स एब्जॉर्ब, तो आपको ये दोनों रीजन देने ही पड़ेंगे कि जो पार्ट है दैट इज एब्जॉर्ब्ड. हाँ जो सैंडी सॉइल है, यहाँ पे आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि मैम सैंडी सॉइल में भी वाटर होता है, इट डिपेंड्स. अगर आप सैंडी सॉइल को बिल्कुल ड्राई करके ले आओगे तो फिर उसमें वाटर नहीं होगा, उसमें वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगे, ठीक है. अगर आप इवनिंग टाइम पे आप सैंडी सॉइल उठाते हो तो उसमें हो सकता है कुछ वाटर ड्रॉप्स एब्जॉर्ब हो. हाँ जी. नाउ क्लास लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन अवर क्वेश्चन. मैं बता देती हूँ, ये वाली जो सिंगल फनल वाली बनी हुई है ना आपकी बुक में, वो वाली एक्टिविटी है. इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी 9.6 पेज नंबर 101 पेज. नोट डाउन. अभी अबाउट 50 ml ऑफ अबाउट 50 ml ऑफ वॉटर. यस आर यू राइटिंग? नोट इट डाउन. अबाउट 50 ml ऑफ वॉटर was added drop wise. About 50 ml of water was added drop wise to a particular type of soil, to a particular type of soil, a particular type of dry soil. Soil bilkul dry hai and we had added about 50 ml of water that is kept on a filter paper. 50 ml of water is added drop wise to a particular type of dry soil kept on a filter paper. जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी बनी हुई है, कैप्ड ऑन अ फिल्टर पेपर, अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड कलेक्टेड इन अ बीकर. Amount of water that is collected in a beaker below the funnel,
बिलो इट इज 40 ml. Amount of water collected below it is 40 ml. Amount of water इतना है. Calculate the percentage of water absorbed. Calculate एक मिनट. The percentage of water absorbed. हाँ जी. चेक कर ले. हाँ जी. यस बताइए. वन 25%. गुड. सिट डाउन. और कोई परसेंटेज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन. बिल्कुल फॉर्मूला है ही नहीं कोई. परसेंटेज आप लोगों ने की हुई है. परसेंटेज लगाओ कितना. नाउ इट इज करेक्ट. आप सही. आपने 80 बोला. दैट इज रॉन्ग. 80 कैसे आ जाएगा आप बताइए मुझे. रिलैक्स रिलैक्स. हाँ जी बच्चे ये देखो 50 ml ऑफ वॉटर है. That was added to a water, ठीक है. तो total amount of water solution में हम total amount of water नहीं लिखेंगे. What should be the total amount of water? अब please ये question कर लो क्योंकि bell होने वाली है. 50 ml. निकालना क्या है. Water absorbed. जरा बताना water absorbed कितना हुआ. कितना. हाँ जी. बाकी तो हमें वापस मिल गया. नीचे बीकर में कलेक्ट नहीं हो गया. वॉटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल कितना है. कितना है. जिसको डाउट है दे कैन राइट 50 - 40 दैट इज 10 ml. 2%. कैलकुलेशन कर जरा. फॉर्मूला क्या है. परसेंटेज क्या होता है. अमाउंट ऑफ वॉटर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. परसेंटेज किसी भी चीज की निकालोगे ऐसे ही निकालते हो. सिट डाउन बॉयज. लास्ट प्लीज सिट डाउन. ऐसे ही निकालते हो परसेंटेज. तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आएगा. बेटे ऐसे नहीं बोलो प्लीज. एक मिनट रह गया. ठीक है फॉर्मूला लिख दूं एक मिनट में. कंप्लीट इट प्लीज. अमाउंट ऑफ वॉटर एब्जॉर्ब्ड क्लियर. सो चिल्ड्रन आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल.